हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंगाई के दिनों में भी बीजेपी के अच्छे दिन जारी है। फाइव स्टार मुख्यालय के बगल बीजेपी ने खोला एक और मुख्यालय। पिछले दिनों एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बताई गई थी। कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी चंदे के मामले में इनके बाद आती है। बीजेपी को सत्ता में रहने का पूरा फायदा मिल रहा है, तभी तो फाइव स्टार बीजेपी मुख्यालय के बाद बीजेपी अब हर जिले में बीजेपी दफ्तर खोलने जा रही है। देश में एक तरफ तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, एक के बाद एक बैंक घोटाले हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था खतरे की तरफ बढ़ रही है, आम जनता के दिन बुरे चल रहे हैं, मगर बीजेपी के अच्छे दिन चल रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल मुख्यालय है। अब कुछ ही दूरी पर एक और मुख्यालय बनाया गया है। इतने बड़े ऑफिस के बाद भी बीजेपी को क्या जरूरत थी कि एक ही शहर में दूसरा दफ्तर खड़ा करने की, उसे भी जिला मुख्यालय का नाम दिया जा रहा है। आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के करोल बाग में पहला जिला मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमने तय किया था देश के हर जिले में आधुनिक कार्यालय का निर्माण होगा, और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि चिन्हित 585 जिलों में से 487 जिलों में कार्यालय बनाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जनता को ये जरूर देखना चाहिए कि उन्हें अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किसी राजनीतिक दल के दफ्तर करवाना है कि सरकारी दफ्तरों में जहां असल में जनता की समस्याओं का हल होता है। जिस देश में 60% से ज्यादा जज बिना परीक्षा के बना दिए जाते हैं, उस देश की न्यायपालिका में न्याय होता होगा या अन्याय। आंकड़ों के माध्यम से भी ये सिद्ध हो चुका है कि भारतीय न्यायपालिका पर सिर्फ कुछ घरानों का कब्जा है। इन घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग ही हर साल जज और वकील बनते हैं। नियुक्ति की इस प्रक्रिया को कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम पिछले कुछ वर्षों से विवादों में है। पूरे देश को न्याय देने वाले संस्थान के पास खुद के लिए कोई न्याय संगत प्रक्रिया नहीं है। रिप्रेजेंटेशन की स्थिति इतनी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक भी दलित जज नहीं है। शायद यही वजह है कि कोलिजियम सिस्टम को कोलिजियम कलंक कहा जाने लगा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल आंकड़ों के साथ बताते हैं कि देश के सभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का बायोडेटा वेबसाइट पर मौजूद है। मैंने सारा डेटा निकाल कर चेक किया है। जुलाई 2018 की स्थिति ये है कि 60% से ज्यादा जज सीधे वकील से जज बना दिए गए हैं। उन्होंने जज बनाने के लिए पूरी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं दी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। कोलिजियम के 5 जजों ने उन्हें बस चुन लिया, मर्जी उनकी, इसलिए अदालतों में जजों के चेंबर रिश्तेदारों से भर गए हैं। दिलीप मंडल कोलिजियम सिस्टम को दलितों, पिछड़ों के खिलाफ आने वाले फैसलों से भी जोड़कर देखते हैं। वो बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि SC ST एक्ट के खिलाफ फैसला लिखने वाले दोनों जजों यूयू ललित और AK गोयल ने पूरी जिंदगी में कभी जज बनने का एग्जाम नहीं दिया। दोनों साधारण वकील थे। ललित को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया तो गोयल को सीधे हाई कोर्ट में जज बना दिया गया, जहां से वे कोलिजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या आपने पसंद के वकील को उठाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बना देने का सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए? क्या ये बेहतर नहीं है कि जज परीक्षा पास करके पहले जिला, फिर हाई कोर्ट और तब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बने और परीक्षा पास करके जज बनाने की व्यवस्था हो, भाई भतीजावाद वाला कोलिजियम सिस्टम बंद हो। बता दिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कोलिजियम ही करता है। कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कोलिजियम ही करता है। मोदी राज में फिर लुटी PNB। BMC सिस्टम्स ने किया 539 करोड़ का बैंक घोटाला। CBI ने दर्ज किया मामला। मोदी सरकार में बैंक घोटाले कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब CBI ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर हैदराबाद की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी पर 539 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जिस कंपनी ने ये घोटाला किया है उसका नाम VMC सिस्टम्स लिमिटेड बताया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के घोटालों से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि एक और कंपनी ने बैंक को चुना लगा दिया।
घोटाले का पता तब चला जब जांच एजेंसी ने इस मामले को शक हुआ तो उसने कंपनी के 3 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई के मुताबिक ये घोटाला बैंक कर्मचारियों की मदद से किया गया है। इससे पहले पीएनबी घोटाले की जानकारी 18 जुलाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि ये घोटाला कुल 539 करोड़ रुपए का है, जिनमें से 296 करोड़ रुपए पीएनबी के है। सीबीआई ने वुपलटाई हिमा बिंदु, वुपलटाई वेंकट रामा राव, भाग वटोला वेंकट राम डायरेक्टर और ये लोग कंपनी के प्रमोटर बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने शिकायत दर्ज कर ली है। गौरतलब हो कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक की मुंबई ब्रांच में 11,500 करोड़ का घोटाला पहले ही सामने आ चुका है, जिसे हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने किया। उसके बाद मेहुल चौकसी ने 2 अरब डॉलर का घोटाला कर पीएनबी को चूना लगाया था। नीरव मोदी ब्रिटेन के लंदन भाग गया है, वही मेहुल चौकसी ने एंटीगा के नागरिकता ले ली है। दोनों को ही भारत वापस लाने में मोदी सरकार विफल रही है। अरविंद नक्सल की झूठी कहानी बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की शर्मनाक सच्चाई, अभिनेत्री से बोला कपड़े उतार कर नाचो। असफल फिल्मकार आधारहीन किताब अरबन नक्सल्स के लेखक और दक्षिण पंथी ट्रोल्स के अगुआ विवेक अग्निहोत्री नए विवाद में फंस चुके हैं। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का आरोप है कि विवेक अग्निहोत्री ने उनसे कपड़े उतार कर डांस करने के लिए कहा था। उदारवादियों और वामपंथियों को नक्सली कहने वाले संस्कारी विवेक अग्निहोत्री ने अभी तक इस आरोप का खंडन नहीं किया है। डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में तनुश्री ने बताया कि ये घटना साल 2005 में आई उनकी डेब्यू फिल्म चॉकलेट की शूटिंग के दौरान हुई। तनुश्री बताती है कि एक सीन में उनके साथी अभिनेता इरफान खान के चेहरे का एक्सप्रेशन शूट करना था। डायरेक्टर चाहते थे कि मैं इरफान खान को फेस एक्सप्रेशन शॉट देने में मदद करूं। ये मेरा शॉट नहीं था, मुझे शॉट में बाद में भी नहीं आना था। ये इरफान का क्लोजअप शॉट था और उन्हें सिर्फ मेरी ओर देखकर एक्सप्रेशन देना था। डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि जाओ जाके कपड़े उतार के नाचो, उसको क्यों दो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की ये बात सुनकर इरफान खान और सुनील शेट्टी नाराज हुए। इरफान ने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अपना क्लोजअप दे सकता हूँ, मुझे एक्टिंग आती है। खुद को हिंदू धर्म का रक्षक समझने वाली विवेक अग्निहोत्री को ट्विटर पर टैग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने लिखा है कि सोचता था हिंदू धर्म विवेक अग्निहोत्री जैसी पुण्यात्मा के हाथ सुरक्षित है, लेकिन क्या करूं, इस खबर पर निगाह पड़ गई। वैसे कम्युनिस्टों से जिंदगी भर मेरा विरोध रहा, लेकिन कपड़े उतार कर नाच का हुक्म देने वाले से तो नास्तिक भी ज्यादा हिंदू लगते हैं। उदारवादी और वामपंथी झुकाव रखने वाले बुद्धिजीवियों पर निशाना साधने वाले विवेक अग्निहोत्री इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि कट्टर दक्षिणपंथी विचारों की वजह बीजेपी नेताओं से इनकी करीबी जग जाहिर है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के अन्य बड़े नेता इन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं। रवीश कुमार के नाम पर सोशल मीडिया पर फेक मैसेज वायरल, रवीश बोले यह अमित शाह की झूठी साइबर फैक्ट्री का कमाल है। पिछले कुछ दिनों से फिर से मेरे नंबर पर फोन आए जा रहे हैं। वही तरीका कि दिन रात फोन करते रहो और उठा ले तो गाली बको, तरह तरह से तंग करो। हुआ ये है कि किसी ने एक फर्जी मैसेज तैयार किया है। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप चैट में जैसी बातचीत होती है, उस तरह की बातचीत के स्क्रीनशॉट फर्जी तरीके से तैयार हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट में फोटोशॉप तरीके मुझे किसी से बात करते हुए दिखाया गया है कि संघ और बीजेपी के खिलाफ लिखो, 5,000 देंगे। आईटी सेल के लोग इसे दिन रात वायरल कर रहे हैं, तरह तरह के फेसबुक पेज पर डाल रहे हैं। घूम फिर कर इनके पेज से मैसेज मुझ तक भी आ रहा है। बहुत चालाकी से उस मैसेज में मेरा नंबर डाल दिया गया है। आईटी सेल के झांसे में बर्बाद युवाओं को पता नहीं है कि जब नेता आपका झूठ के काम में इस्तेमाल करेगा, तब तो और भी आपका कुछ भला नहीं कर पाएगा। आप हमें गाली देने के लिए अपनी स्थिति उसी पार्टी में खराब कर रहे हैं। लोग इतने खलीर हो गए हैं कि बकायदा फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैंने लिखा है। जब बताता हूँ कि मैंने नहीं लिखा है तो बहुत से समझ भी जाते हैं, फोन काट देते हैं, मगर कुछ लोग गालियां देने लगते हैं। एक तो ये काम करता नहीं, ना ही किसी को लेख के 5,000 देने के पैसे है। आप जरा खुद भी दिमाग लगाइए, कोई ऐसे व्हाट्सएप बात करेगा कि आप संघ के खिलाफ लिखे तो 500 से 5,000 रुपए दूंगा। बेहतर है कि आप सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे ऐसी नकली मैसेज से सावधान रहे। ऐसे मैसेज का एक ही उद्देश्य होता है कि आप किसी को फोन कर गाली दे।
भीड़ बनकर किसी की हत्या कर दे। आईटी सेल के जरिए युवाओं को हत्यारा बनाया जा रहा है। वे हत्या कर सके इसलिए उनके दिमाग में झूठ भरा जा रहा है। ये धर्म की कैसी राजनीति है जो मिथ्या और कुंठा से चलती है। मैं सोचकर कांप रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के उन 32 लाख लोगों का क्या होगा जो अमित शाह के व्हाट्सएप नेटवर्क से जुड़े हैं। उन्हें हर दिन कितना झूठ परोसा जाता होगा। उनके दिमाग में झूठ का जहर भरते भरते क्या हाल कर दिया जाएगा। उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। एक दिन जैसा आदेश आएगा वो कर बैठेंगे। मैंने अपनी किताब द फ्री वॉइस में लिखा भी है कि एक किस्म की रोबो रिपब्लिक बनाने का प्रयास हो रहा है, जहां लोगों को तरह तरह की झूठ से फीड किया जाएगा जैसे एक रोबोट में होता है। फिर इस तरह के लोग जरा सी चिंगारी मिलते ही आग में बदल जाएंगे, किसी को मार आएंगे, शहर में अफवाह फैला देंगे, झूठा माहौल बना देंगे। मेरे खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए जो नया मैसेज वायरल किया जा रहा है, अमित शाह के भाषण को सुनने के बाद लग रहा है कि कहीं उन्हीं की साइबर फैक्ट्री से तो ये मैसेज नहीं निकला है, जिसे वो साइबर योद्धा कहते हैं। अमित शाह के भाषण में जब सुना कि यूपी में 32 लाख लोग इनके व्हाट्सएप नेटवर्क से जुड़े हैं, तो उन घरों की चिंता होने लगी जिनके बच्चे इस नेटवर्क में होंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की राजनीतिक प्रोग्रामिंग झूठ के आधार पर कर दी गई होगी। वे व्हाट्सएप के इस झूठ से आगे देख पाने या सोच पाने के लायक नहीं बचे होंगे, जिंदा लाश की तरह हो चुके होंगे। अगर किसी दल के पास अफवाह फैलाने का ऐसा ऑफिशियल नेटवर्क हो जाए तो भारत के लोकतंत्र को कोई नहीं बचा सकता है। खुद ही अमित शाह प्रसंग का एक जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि झूठे मैसेज को उनके प्रदेश की टीम ने डाल दिया और सब जगह फैला दिया। अखिलेश और मुलायम के बारे में ये झूठा मैसेज उन तक भी पहुंचा। राजस्थान के कोटा में उन्होंने ये बात कही है, वे अपनी पार्टी के लिए साइबर योद्धा बना रहे हैं। अमित शाह का ये भाषण यूट्यूब पर भी है, आप खुद भी सुने कितनी चालाकी से बता रहे हैं। सारा भाषण है कि झूठी बात वायरल कर दो, हमारी टीम ने किया है। बस एक लाइन डाल दिया है कि काम तो है करने जैसा, मगर करना नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि हम कुछ भी वायरल कर सकते हैं, खट्टा मीठा या सच्चा झूठा। आप नौजवानों को तय करना है, इस लोकतंत्र को गालियों के गणतंत्र में बदलकर आपको क्या मिलेगा। मैंने अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा करीब करीब शब्दशः यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। मैंने कहा ना कि मैसेज ऊपर से नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा। मैसेज डाल दिया कि आज अखिलेश यादव ने मुलायम जी को चाटा मारा। मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने सब जगह और मुझे भी डाल दिया, सब जगह फैल गया। 10 बजते बजते फोन पर, मेरे मोबाइल पर, फोन पर, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया। जनता में एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। चल गई, ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल गहरा दिया। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत, समझ में आता है। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के बीच पहुंचा सकते हैं, चाहे खट्टा हो या मीठा हो, सच्चा हो या झूठा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, जिसकी देश के 90% भूभाग में हुकूमत है। उस पार्टी के मुखिया झूठ और अफवाह के प्रति आग्रह रखे तो अंजाम क्या होगा ये वो भी नहीं जानते। आपके व्हाट्सएप में आने वाला सांप्रदायिक और झूठ से लेस मैसेज आपको जानवर में बदल रहा है। सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है। झूठ की चिंगारी से वह बम फट जाता है। देश, राष्ट्रवाद, धर्म की श्रेष्ठता के नाम पर आकर्षित युवाओं के इसके सहारे हत्यारा या हत्या का समर्थक बना जाता है। आप खुद का राजनीतिक टेस्ट कीजिए, कहीं व्हाट्सएप मैसेज और हिंदी मीडिया के प्रोपेगेंडा ने आपको दंगाई तो नहीं बना दिया। कहीं आप हिंसा और अनुचित उग्रता का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो ये लेख आपके फट जाने से पहले की चेतावनी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।